अगर मैं आपको कहूँ कि भाई 1.5 से 2 लाख वाला फोन आपको 35 से 40 हजार का देखने को मिल जाएगा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, तो क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। और पहले क्लियर कर दूं कि भाई यहाँ पर मैं कोई कॉपीज़ वगैरह आपको रेकमेंड नहीं करने वाला, अस्तगफिरुल्लाह, ये वाले फ़ोन्स या इस तरह सैमसंग की कुछ कॉपीज़ आई हैं मार्केट में, S22 Ultra वगैरह की इस तरह की कॉपीज़ आई हुई हैं, आईफोन की आई हुई हैं, तो कॉपीज़ को हम साइड पर रखते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ भाई सैमसंग के डॉटेड स्मार्टफोन्स की, तो जैसा कि आपको पता कि भाई सैमसंग का ऑलमोस्ट हर फ्लैगशिप फ़ोन ना ऑफलाइन मार्केट में डॉटेड कंडीशन में अवेलेबल है, लाइक डिस्प्ले पर किस पर छोटा डाटा है, किस पे बड़ा डाटा है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये फ़ोन जब लॉन्च हुए थे तब ये 2-2 लाख रुपए के थे, लाइक 1.5 से 2 लाख वाले प्राइस टैग में लॉन्च हुए थे, लेकिन अभी ये कुछ किसी पे छोटा डाटा है, किसी पे बड़ा डाटा है, उस हिसाब से इनकी जो प्राइसेस हैं ना अभी लाइक 30-40-50-60 हज़ार के प्राइस टैग में आपको ये इजीली देखने को मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं बेसिकली आपको समझाने वाला हूँ, सिंपल वर्डिंग में आपको बताऊँगा, ज़्यादा ऐसे टेक्निकल वर्ड यूज़ नहीं करने वाला, आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या ये डॉटेड स्मार्टफोन आपको परचेस करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, इनके फ़ायदे क्या हैं, इनके नुकसान क्या हैं, ओवरऑल क्या सिनेरियो, क्या नॉर्मल यूज़र को लेना है, क्या गेमर्स, कैमरा लवर्स, किसको लेना है, किसको नहीं लेना, एक ओवरऑल बाइंग गाइड आपको देने वाला हूँ। पहले तो बात कर लेते हैं कि भाई ये डॉट होता क्यों और क्यों आपको ये डॉट नज़र आता है। बेसिकली ये कोई भी फ़ोन पकड़ लें, लेट्स सपोज ये स्मार्टफोन है, इसके आप इस पर्टिकुलर एरिया में लेट्स सपोज आप देख रहे हैं ये डॉट है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में उस फोन्स के पिक्सल डेड हो गए होते हैं, या सो पिक्सल जो डेड होते हैं ना उस पर्टिकुलर एरिया के होते हैं, पूरे डिस्प्ले के नहीं होते। तो इसका कतन ये मतलब नहीं, अगर स्मार्टफोन में कुछ छोटा डाटा या बड़ा डाटा है तो इसका मतलब पूरे का पूरा डिस्प्ले ख़राब है, इसका पूरे डिस्प्ले से कोई कनेक्शन नहीं है, उस पर्टिकुलर एरिया का डिस्प्ले ख़राब है क्योंकि पिक्सल डेड हो गए होते हैं। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि 100 में से 95 टाइम उन स्मार्टफोन में डाट आता है, उन स्मार्टफोन के डिस्प्ले में बेसिकली डाट आता है जिनके डिस्प्लेस कर्व होते हैं। अब देखिए कर्व फोन की साइकी बिल्कुल सिंपल है कि जो कर्व फोन होते हैं जिनके डिस्प्लेस कर्व होते हैं ना, उनकी साइडों पे जो कर्व वाला एरिया होता है ना, वहाँ पर पिक्सल सर्वाइव नहीं कर पाते यहाँ पर मोस्टली केसेज में, और वहाँ पर पिक्सल डेड हो जाते हैं। और आपने एक चीज़ ये भी नोटिस की होगी कि वो उन कर्व्स वाले एरिए में ना, यहाँ पर फोन का कर्व है, जिस तरह ये स्मार्टफोन है इसकी लेट्स सपोज ये साइड कर्व है, तो इसके कर्व वाले एरिए के आसपास कहीं ऊपर नीचे इर्द गिर्द ना पिक्सल डेड हुए होते हैं। तो यहाँ पर आपको बेसिकली अभी तक ये क्लियर हो गया होगा कि किसी भी स्मार्टफोन के डिस्प्ले में डाट आता क्यों है, डाट का मतलब क्या होता है, और कभी कभार फ़ोन गिरने से भी ना जिनकी स्मार्टफोन की डिस्प्ले कर्व होती हैं वहाँ पर भी डाट आ जाता है, पिक्सल डेड हो जाते हैं, वो उन्हीं एरियाज़ में पर्टिकुलर जो मैंने आपको बताया। सो ये जितने भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं ना, ये अप्लाई होती हैं सिर्फ डॉटेड डिस्प्लेस के ऊपर, ये सारा रूल डॉटेड डिस्प्लेस के लिए है। अब कुछ फोन मार्केट में आते हैं जिनकी डिस्प्ले में काली, नीली, पीली, चिट्टी, पता नहीं कौन कौन सी लाइन होती हैं, वो एक अलग फ़ोन है, और कुछ फोन ऐसे होते हैं जिनकी डिस्प्ले में शेड्स होते हैं, वो टोटली अलग फ़ोन है। मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करने वाला कि भैया आप शेड वाला फ़ोन लो, ऐसा फ़ोन जिसके डिस्प्ले में शेड हो और ऐसा फ़ोन जिसके डिस्प्ले में लाइन हो। आपको पता है कि अक्सर स्मार्टफोन्स होते हैं उनकी ऐसे ऐसे लाइन आती हैं, यहाँ पर पिंक ग्रीन मोस्टली लाइन्स होती हैं, वो टोटली डिफरेंट कैटेगरी है। यहाँ पर फोन की बात कर रहा हूँ, वो फ़ोन आपने बिल्कुल नहीं लेने, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं अपने यूज़र एक्सपीरियंस की बेस पर बता रहा हूँ कि अगर किसी फ़ोन में डाट है ना, लाइक छोटा डाट है, बड़ा डाट है, आपका गुजारा कर दिएगा, आपका यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब नहीं करने वाला, अगर वो पता भी नहीं लगेगा, लाइक अगर आप ब्लैक वॉलपेपर लगा लेंगे ना तो वो ब्लैक डॉट छुप भी जाएगा, किसी को पता भी नहीं लगने वाला। तो मैं आपको भाई कहने वाला हूँ कि आपने ना लाइंस वाला फ़ोन लेना है, ना आपने शेड वाला फ़ोन लेना है, नहीं तो आपका टोटल एक्सपीरियंस तबाह हो जाएगा। डॉट की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो डॉट मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करने वाला हूँ। नो गाइस, अभी बात करते हैं मेन मुद्दे की, क्या आपको ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन जिनके डिस्प्ले में डॉट वगैरह होते हैं, छोटे डॉट, थोड़े से बड़े डॉट, इस तरह के स्मार्टफोन बाय करने चाहिए चीपेस्ट प्राइस टैग में कि नहीं करने चाहिए? वेल, एक यहाँ पर बातों से बातें निकलती हैं, मैं आपको ये भी चीज़ क्लियर कर दूँ। कुछ लोग पूछते हैं कि अली भाई क्या ये जो डॉट वाले फ़ोन है इनका डॉट बड़ा तो नहीं हो जाता, लाइक होता है ना इस तरह के माइंड में क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए भाई 99% लोगों के डॉट बड़े नहीं होते, लेकिन आपको पता है कि कभी कभार हालात और दिन बुरे जा रहे होते हैं बंदे के ना, तो उस सूरत में आपका डॉट बड़ा हो जाए स्मार्टफोन के डिस्प्ले में तो वो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मोस्टली केसेस में डॉट बड़ा नहीं होता, आप माइंड से ये चीज़ निकाल दें। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं डॉट वाला फ़ोन रिकमेंड कर रहा हूँ, ऐसे फ़ोन जिनके डिस्प्ले में लाइन होती हैं, ऐसे फ़ोन जिनके डिस्प्ले में यहाँ पर शेड वगैरह होते हैं, वो अपने परचेस नहीं करने। अब काफ़ी ज़्यादा लोग ये भी पूछेंगे कि भाई ये 2 लाख का फ़ोन है, वो 70 हज़ार का है, वो डार्ट वाला 40-45 हज़ार का कैसे कैसे मीट है? तो भाई देखिए, सैमसंग के जितने भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स हैं ना, उनके डिस्प्ले की ही कीमत होती है। लेट्स सपोज मेरे पास S8 पड़ा हुआ है एग्जांपल के तौर पे, वो 20 हज़ार का मार्केट में बिल्कुल 10x10 कंडीशन में न्यू डिस्प्ले के साथ मीट है, मतलब उसके डिस्प्ले में डार्ट नहीं है, शेड नहीं है, लेकिन अल्लाह ना करे उसका डिस्प्ले टूटेगा किसी का, तो वो जब डिस्प्ले लेने जाएगा ना तो इतने का फ़ोन ही होगा जितने का उसको डिस्प्ले मार्केट में देखने को मिलेगा। तो भाई ये सारा सीन है यहाँ पर, डेफिनेटली
आप जा सकते हैं। और एक चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा कि भाई आपको किस यूजेज के लिए स्मार्टफोन चाहिए, कैमरा के लिए चाहिए, गेमिंग के लिए चाहिए, क्योंकि कुछ सैमसंग के फ़ोन्स कैमरा के लिए हैं, कुछ गेमिंग के लिए हैं, कुछ इस तरह की ना सारी चीज़ें वेरी करती हैं। तो स्ट्रांग जो भी आपको चाहिए उसकी तरफ आप जा सकते हैं। बहुत सारे फ़ोन हैं, अब एक एक अगर मैं नाम लूँगा ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लाइक S10 Plus, S20 Plus, Note 10 Plus, पता नहीं और कितने कितने फ़ोन हैं भाई, सबके ऊपर ये सारा सीन चलता है। डिस्प्ले डॉटेड वाले आते हैं, अच्छे प्राइस टैग में मार्केट में मिलते हैं, सब कुछ यहाँ पर मैंने आपको डिटेल से बता दिया। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया, डेफिनेटली ये टॉपिक बहुत वसी है, कुछ चीज़ें मैंने मिस कर दी होंगी, तो डेफिनेटली अगर माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है ना, नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूँगा। इस तरह की वीडियोज़ मज़ीद इन फ्यूचर चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।